आज 9 दिन हो गए हमारे बच्चे ने मेरे मुझे। मैं उसको बेटा कह के बुलाती थी, मैं उसको बोलती थी कि ये मेरा बेटा है। माजी में जराइम पेशा अफराद के हाथों अगवा होने वाले ज्यादातर बच्चों से बेगार ली जाती थी या भिखारी गिरोह उनसे भीख मंगवाने का काम करते थे। माँ बाप की पूरी जिंदगी रोते हुए गुजर जाती थी मगर उनका बच्चा उन्हें कहीं नहीं मिलता था। लेकिन अब बच्चों के अगवा का मामला पहले से ज्यादा संगीन हो चुका है, इसलिए कि जराइम पेशा अफराद बच्चों को तावान के लिए अगवा करते हैं और ज्यादातर बच्चों को तावान मिलने के बावजूद कत्ल कर देते हैं। कुछ जराए पेशा अफराद बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उन्हें इस डर से मार देते हैं कि उन्हें पहचान लिया गया है। इस सूरत हाल में जहां नन्हे मुन्ने बेटों का अगवा माँ बाप के लिए इंतहाई दुख का मामला होता है, वहां ऐसे माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं जिनकी बेटी को अगवा कर लिया जाता है। पुलिस की तरफ से मौसर कार्रवाई ना होने की वजह से मुल्क भर से बच्चों के अगवा की वारदातों में इजाफा हुआ है। पंजाब में पिछले कुछ अरसे के दौरान न सिर्फ बच्चों के अगवा की वारदातें बढ़ी हैं बल्कि उन्हें ज्यादती के बाद कत्ल करने के वाकयात भी पेश आ रहे हैं। लाहौर की 5 साल बच्ची मलाइका भी 11 रोज कबल घर से चॉकलेट खरीदने निकली लेकिन अब तक वापस ना आई। उसकी जुदाई में माँ बाप का जो हाल है वो किसी से देखा नहीं जाता। ना जाने मलाइका के साथ क्या हुआ, खुदा करे वो खैरियत से जल्द वापस आ जाए। आज 9 दिन हो गए हमारे बच्चे ने मेरे मुझे। सबाद निशा कॉलोनी के रहायशी हाजी इकबाल की इलाके में बिजली की वायरिंग के सामान की दुकान है। उसकी 5 साल बेटी मलाइका मकामी स्कूल की तालबा है। चंद रोज कबल मलाइका स्कूल से वापस आई और स्कूल बैग रख कर वालदा से पैसे लेकर चॉकलेट खरीदने के लिए महल्ले की दुकान पर चली गई। मलाइका को गए काफी देर हो गई और वो वापस न आई तो घर वालों को तशवीश हुई। मलाइका की माँ और बड़ी बहन उसे ढूंढने निकल खड़ी हुई, पूरे मोहल्ले में उसे तलाश किया मगर वो ना मिली। फोन पर इतला पाकर हाजी इकबाल भी दुकान से घर आ गया। मलाइका की तलाश के लिए इर्द गिर्द के इलाके की मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए मगर उसका कोई सुराग ना मिल सका। वो दीन इस्लाम स्कूल में पढ़ती थी, वो घर में आई है, घर में आके तो चीज लेने गई है, 4 बजे का टाइम है, वापस नहीं आई। वो 4.5 साल उसकी उम्र है, दाएं साइड पे उसके जले का निशान भी है, तभी तक मुझे मिली नहीं। उसके पापा को कॉल की कि हमारी मलका नहीं मिल रही, उसने बहुत आदमी भेजे, आप भी साथ गए, हम भी साथ गए, सब ढूंढने लान भी इतने करवाए मस्जिदों में, कितने नहीं मिली हमें, फ्लैक्स भी छपा के हमने बहुत बांटे। पुलिस ने क्या कार्रवाई की और मलाइका के वालदैन पर क्या बीत रही है, आइए जानते हैं। आज 9 दिन हो गए हमारे बच्चे ने मेरे मुझे। मैं उसको बेटा कह के बुलाती थी, मैं उसको बोलती थी कि ये मेरा बेटा है। तमाम रात हाजी इकबाल मोहल्लेदारों के साथ मिलकर मलाइका को तलाश करता रहा जबकि उसकी बड़ी बहन और माँ घर की दहलीज से लगे उसका इंतजार करते रहे मगर मलाइका की कोई खैर खबर ना मिल सकी। अगले रोज हाजी इकबाल ने थाने में मलाइका के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। नहीं, कोई पता नहीं लगा, पुलिस ने 2-4 दिन कार्रवाई की, इधर आ भी रहे थे, इधर आने रहने, बस हुण नहीं आ रहे, हुण 3-4 दिन हो गए आ ही नहीं रहे, पुछ ही नहीं रहे सानू, किसी ने कोई गलबात नहीं की थी, किसी कोई साढ़े को आया ही नहीं था, साढ़े को आन दसिया नहीं किसी ने, गली चो चीज लैन गई है, कोई घंटे बाद पता लगा भी जो घरों पता किया भी आई नहीं मलाइका, तो असि लभना शुरू कर दिता, लान भी कराए ने, पोस्टर भी छपा के लाए ने। मेरे साथ कोई तामन नहीं कर रहा। इसके आप इसे ले ले। हमें किसी पे शक नहीं है, ना हमारी किसी के साथ दुश्मनी है, ना हमने कभी किसी से पाई है दुश्मनी, ना किसी पे शक है हमें, बस हमारी बच्ची मिल जाए हमें, हमारी ये अपील है। मलाइका बाजियाब ना हो सकी, पुलिस उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रही,
ये सवाल है मलाइका की बहन का, उसका मजीद क्या कहना है आइए जानते हैं। आज 9 दिन हो गए हमारे बच्चे नहीं मिल रहे मुझे। मैं उसको बेटा कह के बुलाती थी, मैं उसको बोलती थी कि ये मेरा बेटा है। मलाइका की बहन सुमैरा का कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें कौन इंसाफ दिलाएगा। उसकी इल्तिजा है कि खुदारा कोई उसकी बहन को वापस ला दे। 9 दिन हो गए उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हम पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस बात नहीं सुनती है, आती नहीं है। 2 दिन सिर्फ तावन किया और सारी कोशिशें मेरे फादर कर रहे हैं, मेरे चाचू ताया जो फैमिली मेम्बर्स हैं और जो मतलब मोहल्ले वाले हैं, और पुलिस बात ही नहीं सुनती है किसी तरह भी, मतलब तावन कर ही नहीं रही है। तो पुलिस किस लिए इधर लाहौर में? पुलिस को चाहिए कि हमारे साथ तावन करे। मैं उसको बेटा कह के बुलाती थी, मैं उसको बोलती थी कि ये मेरा बेटा है, तो सोती भी मेरे साथ ही थी, याद भी बहुत आती है उसकी। पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा हमें उसका। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ तावन किया जाए, हमें उसको ढूंढने में हमारी मदद की जाए। मलाइका के वर्सा ने वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से अपील की है कि वो मलाइका की फौरी बाजियाबी के लिए अहकाम जारी करें और उसे अगवा करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार करके इंजाम तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। आज 9 दिन हो गए हमारे बच्चे नहीं मिल रहे मुझे। हमें अभी अभी लाहौर से ये खुशखबरी सुनाई गई है कि मलाइका अपने माँ बाप को दोबारा मिल गई है। वो अपने वालदैन से कैसे मिली इसकी तफसील हम आपको कल के प्रोग्राम में तफसील से बताएंगे, लेकिन ये भी बता दें कि वालदैन को औलाद की ख्वाहिश इसलिए होती है कि अगर उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो बुढ़ापे में वो उनका सहारा बनेगा और किसी भी दुख और तकलीफ को उन तक नहीं आने देगा। मगर लाहौर में एक बेटे ने ज़मीन की हवस में अपने बूढ़े वालिदैन को गोलियों से छलनी कर दिया। ये दिल खराश वाकया कैसे पेश आया आइए जानते हैं। लाहौर के कस्बे मांगा मंडी के गांव किला नवा के रहायशी नसारत का अपने वालिद अजमत से 10 एकड़ जमीन अपने नाम लगवाने के लिए झगड़ा चल रहा था। बाप ने अपने जीते जी जमीन बेचने या उसके नाम करने से इनकार किया तो लालच के मारे नसारत ने इंतहाई कदम का फैसला कर लिया और घर में बैठे अपने बाप अजमत और माँ महरुल निसा पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों मौके पर ही हलाक हो गए जबकि मुलजम फरार हो गया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर लोग जमा हो गए। झगड़ा आया उसे पता ही चलिया कोई जायदाद का कोई झगड़ा से पहले रौला रौला पिया इन्हों अज यह भी वह मुंडे ने कि दोनों फैर मारता अपने पिस्टल न महरुल निसा दो फैर मारे तो अपने वालद न एक फैर मारिया तो उन्होंने फैर मारे कतल करके तो रूह पोश हो गया। जमीन हासिल करने के लिए कातिल अपने माँ बाप के साथ कब से झगड़ा कर रहा था आइए जानते हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजम का काफी अरसे से वालदैन से जमीन का झगड़ा चल रहा था, मुलजम को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मांगा मंडी के इलाके में अफसोसनाक वकूआ हुआ, थाना मांगा का इलाका है, उधर जो अफसोसनाक वकूआ हुआ है उसमें अजमत खां और उसकी बीवी महरुल निसा कत्ल हुए हैं, जिनको इनके हकीकी बेटे नसारत ने कत्ल किया है। जायदाद का तनाजा था, अभी मजीद तफ्तीश जारी है, मुलजम गिरफ्तार नहीं हो सके, उसकी गिरफ्तारी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जायदाद का तनाजा था, मजीद तफ्तीश जारी है, जो भी हकाइक होंगे बताएंगे। जो अजमत खां है उसे एक फायर लगा है, जो उसकी बीवी महरुल निसा है उसे दो फायर लगे हैं। अजमत की उम्र तकरीबन 85 साल है और उसकी जो बीवी महरुल निसा उसकी उम्र 50-55 साल के करीब है और तकरीबन ये इनकी विरासती प्रॉपर्टी 10 एकड़ जमीन का तनाज़ा इनका ना, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ।
मकतूलीन के दिगर उसा और मुकामी रहायशियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुरत न हो। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा लाहौर। जमीन की खातिर कुछ बदनसीब अपने माँ बाप को भी कत्ल कर देते हैं, मगर इसके बावजूद सिवाय बदनामी और सजा के उन्हें और कुछ भी नहीं मिलता। क्राइम सीन में वक्त को एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहें। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़मीन के टुकड़े के लिए इंसानी जान लेना किसी इंसान नहीं बल्कि इंसान नुमा हैवान का काम है। इसके बावजूद ज़मीन की खातिर बहुत सारे लोग इंसानी खून बहाने से दरेग नहीं करते। रावलपिंडी के इलाके और वजीर दाखिला के आबाई मोहल्ले में चंद गज ज़मीन के लिए एक शख्स को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कातिल कौन था, आइए देखें। रावलपिंडी में थाना चौंतरा के इलाके चक्री में सिर्फ 10 मरला जमीन के तनाजे पर मुबैना तौर पर भेड़िया सिफ्त गुलजार बंगश नामी शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग करके 3 मासूम बच्चों के बाप को कत्ल और एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। मैं और मेरा साला, हम दोनों कार से बाहर आए, उन फायर की आवाज आई ना, इधर हमारे जाता हूँ बंदो दू को देखा उसने ना कि कार इस पहले बंदे को गोली यहाँ से मारी, दूसरे आदमी और होता वो बैठा जिता थके जी उठा खड़ा हुआ, उस कोशिश की थी पीछे भागने की, देखो इसकी गोली पीछे से आ गई। इंसानी रूप में दरिंदा गुलजार मुबैना तौर पर जबरदस्ती गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करता था। गुलजार बंगश ने सहाफत का लिबादा भी ओढ़ रखा है। होलनाक वाकया के बाद वो बाआसानी जाए वकुआ से फरार हो गया। जगह खरीद के लोगों से कब्जा लेना और बदमाशी करना, ये इसका आए रोज को मामूल है। गरीब लोगों की जगह खरीदते हैं, वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। वो जो है ना आता है जमीन के कब्जा करता है, बंदों को डराता है। बंदे आज कल रोटी भी नहीं पूरी होती किसी की, तो वो जो है ना किराया इधर से जो है चक्री से पिंडी से किराया लगाए, वो बंदे मजबूर होते हैं। वो कहते हैं मजबूरन होकर पहले वो दबाता है, फिर उसके जो है ना उनको थोड़े बहुत पैसे देता है, फिर उनसे जो है ना पटवारी के पास जाके जो है ना नाम अपने नाम पे करवा लेता है। उसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया है, ये मोहल्ले के लोग सब सुन रहे थे, कोई छतों पर देख रहे थे जो वो कार्रवाई कर रहा था, लेकिन 3 पुलिस वाले थे। मैंने उनसे कहा यार इसने इतनी बड़ा काम कर दिया, इसको खुदा के वास्ते इसको पकड़ो, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। जिस टाइम वो जा रहा था उसके पास गाड़ी है 2D, उसके सामने 2 प्लेटें लगी हैं, एक आगे है एक पीछे, एंटी करप्शन लिखा हुआ है। मुलजिम से मिलने के लिए कौन कौन लोग आते थे और उसने अपनी रिहाइशगाह को क्या नाम दे रखा था, आइए देखते हैं। टीम समा जब मुबैना मुलजिम के ठिकाने पर पहुंची तो वहां पड़ा ताला मुलजिम के फरार होने की गवाही दे रहा था। मुलजिम ने अपने ठिकाने को बासर शख्सियात का हुजरा करार दे रखा था। जख्मी होने वाले अहमद खान के बेटे के मुताबिक उसके वालिद का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। वालिद साहब हमारे जिरगे के तौर पे आए थे कि जमीन का झगड़ा है, हम 2 बंदे जाते हैं, उससे बात करते हैं, उससे कहते हैं कि यार बैठ के एक जगह कुछ बंदों की कमेटी बना के आपस में मसला हल कर लेंगे। जैसे ही वो सामने आते गए उसने खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जहीर हमारा चचाजात कज़न हमारी बिरादरी का बंदा वो शहीद हो गया मौके पे ही, और वाला साहब टांग पे गोली लगी, हाथ पे उन्हें गोली लगी, जख्मी है, वो एडमिट है। जहीर के माँ बाप अपने बुढ़ापे का सहारा छिन जाने पर गमजदा हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे को बेगुनाह कत्ल किया गया। मैं मारी गई हूँ, मैं मताना होता मारी, मेरा बच्चा बेगुनाह मारा गया, मार बंगो छोड़ा आज का। पुलिस के मुताबिक वाकया की FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो दिन रात मसरूफ अमल है।
इंसाफ के मुतकाजी मकतूल के रिश्तेदार और अहले इलाका अरबाब इख्तियार से वाकया का नोटिस लेने और मुल्जिम को गिरफ्तार करके जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा करते नजर आते हैं। सरकारी नंबर प्लेटा ला के गड्डी दे गए पूरे जिथे मर्जी उसकी होंगी फिर कोई पुलिस नहीं पूछती कोई बंदा नहीं पूछने वाला। आपके तवस्त से चौधरी निसार अली खान से ये गुजारिश करना चाहूंगा, आपके गाँव में दिन त्याड़े हमें मार के लोग भाग जा रहे हैं, अभी 28 घंटे होने को हैं, हमारा कातिल नहीं पकड़ा गया। हम वजीर दाखला चौधरी निसार अली खान साहब से अपील करते हैं कि खुदा रा हमें इंसाफ मिले, हमें इंसाफ दिया जाए। चौधरी निसार साहब का घर हो ऊपरी मंजिल पे है, मेरा नीची मंजिल पे है, ऊंची की जगह। इंसाफ वो अगर दिवाना चाहे तो 24 घंटे के अंदर दिवा सकता है, उसको इतनी अल्लाह पाक ने लाठी दी हुई है। चक्री के इलाके में पेश आने वाला अंदोहनाक वाकया इंसानियत के जवाल की मिसाल है। इस किस्म के वाकयात में मुलविस अफराद किसी रहम के हकदार नहीं। पुलिस हुकाम का कहना है कि उन्होंने मुकदमे की FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। बिलाशुबा महकमा पुलिस के क़याम का मकसद शहरियों की जान और माल की हिफाजत है, मगर आजकल महकमा पुलिस अवाम की बजाय अवामी नुमाइंदों की खिदमत को अपना अव्वलीन फर्ज समझती है। पिंडी भटिया में डाकुओं ने दो घरों में वारदात के दौरान ख्वातीन को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। देखते हैं कि इस वारदात के खिलाफ एहतजाज करने वालों के साथ पुलिस ने क्या सलूक किया। बटिया के इलाके सुखे की के महिला नई मंडी के रहाशी ताजा सरफराज अहमद और उनकी हमसाई अमरीना बशीर के घर रात 11 बजे के करीब 5 डाकू दीवारें फलांग कर दाखिल हो गए। उन्होंने गन पॉइंट पर पहले सरफराज अहमद के घर तमाम अफराद को यरकमाल बनाकर तलाई जेवरात और नकदी लूट ली। बंदे आए ने उन्हें वारदात की थी, डकैती तकरीबन 11:30 तो लैके 2:15 बजे तक रहे ने, बच्चियां मारिया, बीबियां मारिया, जो कुछ पैसा टका जेवर सी सब कुछ लै गए, मोबाइल भी लै गए, कोई चीज उन्होंने नहीं रहन दी, मोबाइल उन्होंने को नहीं सी, कोई चीज नहीं सी कि वो किसी ना रबता ही कम अज कम कर लेना, आंदे उन्होंने पहले मोबाइल उन्होंने को लैन। फिर हमसाई के घर जाकर उन्होंने खवातीन और मर्दों की आंखों पर पट्टियां बांधकर घर से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और जेवरात लूट लिए। डाकुओं ने इस दौरान खवातीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुतासरा खवातीन का कहना है कि डाकू बात बात पर लोहे के रॉड से मारते थे। मैं चेन उतारी के जिस तरह उसमें मारिया ना वो ना मुंह बंद रख माल उतार, मैं कह साडे कोल कोई नहीं तुसी भुक्के खार आ गया, आंदा गले दी चेन उतार, मैं उतार दी, फिर आपरा दे कांडे दूसरे कमरे में जाके उतरवाए, फिर अलमारी दी चाबियां कोई ना लगियां, फिर भी आदा ही ए समान कांडे दे अलमारी विचो, जो सारा कुछ दे दिता आदा ही पेटियां विचो समान कढो, तीन बंदे आन तीन ही देख मारदा सी, दूसरे दो कोल खलोते आ। इस डकैती के खिलाफ अहले इलाका ने कैसे एहतजाज किया और पुलिस का क्या कहना था, आइए देखें। थाने से कुछ फासले पर दोनों घरों में डकैती की वारदात पर अहले इलाका मुश्तइल हो गए। उन्होंने टायर जलाकर लाहौर सरगोधा रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुजाहिदीन को यकीन दहानी करवाई कि जल्द ही मुल्जमान का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पुलिस का काम है इस पर काम कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट टीम भी आ रही है, इधर खोजी मंगाते हैं, उसका खुरा लगाते हैं, मोबाइलों का रिकॉर्ड लेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है आवाम के सामने नहीं बताने वाली होती भाई, आप भी समझते हैं हमारे भाई हैं, कोशिश जारी है, इंशाल्लाह जरूर हो जाएगी। थाने से 1 किलोमीटर दूर फासले पर है और इनके जो दरवाजे हैं वो पैलियों की तरफ हैं, लेकिन पुलिस रोड पर गश्त करती है, इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे और ट्रेस होगी, वादा करते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस वालों ने उन्हें कहा कि जिन घरों में वारदात हुई उनके दरवाजे खेतों की तरफ हैं और वो सड़क पर गश्त करते हैं, जिस पर एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद उल्टा 100 से ज्यादा मुजाहिरीन के खिलाफ रोड ब्लॉक करने और टायर जलाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सुबह ऐसा इंतजार किया, पुलिस नहीं आई तो सुबह एहतजाज किया कि साड़ी हेल्प करो। पुलिस रवायती तौर पे आई है, जो वारदात हुई है उन्होंने इतला मिली है की गई है, उस तो बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है इन्हों का, ना कोई FIR हुई है, ना कोई दरखास्त है, कोई बंदा पूछते ही नहीं। मुजाहिरीन ने IG पंजाब से मुतालबा किया है कि मुकामी पुलिस को हिदायत की जाए कि इलाके में गश्त के निजाम को मुअस्सर बनाया जाए और डकैती की वारदातों की रोकथाम के लिए मुनासिब इकदाम किए जाएं। साथी रिपोर्टर बिलाल अकबर के साथ आमिर शहजाद, समा, पिंडी भटिया।
इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@samar.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।